हेलो एवरीवन वेलकम टू माइनिंग वर्ल्ड तो आज हम कुछ और ऑप्शंस के बारे में सीखेंगे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगर हम कभी भी नया वीडियोस डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए ठीक है तो लेट्स स्टार्ट टूडेज वीडियो ओके सो आज हम लोग सीखेंगे फर्स्ट ऑफ़ ऑल कि कैसे जूम किया जाता है एंड ऑल्सो कैसे पेन किया, किया जाता है पेन यूज़ किया जाता है ठीक है तो, तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने सिखाया था कि जूम इन जूम आउट कैसे किया जाता है अगर आपने वो कीबोर्ड वाला वीडियो नहीं दिखा है कीबोर्ड बोर्ड माउस कैसे यूज़ किया जाता है तो प्लीज़ जाके आप वो देखिए ताकि ये वीडियो देखने में आपको आसानी हो ठीक है सो फर्स्ट ऑफ़ हम लोग देखेंगे कि कैसे जूम किया जाता है ठीक है तो जूम करने के लिए क्या करना होता है फर्स्ट यहां पे देखिए नेविगेशन बार मैंने बताया था इसको हम लोग क्या कहते हैं नेविगेशन बार राइट right? सो so, ये नेविगेशन बार में यहाँ पे एक ऑप्शन है जहां पे लिखा हुआ है जूम एक्सटेंस राइट सो जूम एक्सेस ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं जूम इन जूम आउट एंड ऑल शो ऑन हम लोग ये यूज करके कर सकते हैं फाइन ऑल्सो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि माउस का हेल्प से भी हम लोग जूम इन जूमआउट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्क्रोल अप करूँ तो ये क्या हो रहा है जूम इन हो रहा है राइट right? और अगर मैं स्क्रोल डाउन करूँ तो ये क्या हो रहा है जूमआउट हो रहा है तो माउस के हेल्प से जो स्क्रोल बटन होता है माउस में तो वो विल का स्क्रोल अप करके जूम इन एंड स्क्रोल डाउन करके जूम आउट कर सकते हैं ऐसे वेरी इजी होता है जूम इन एंड जूम आउट करने में ठीक है अगर आप चाहते हो कि नहीं ये यूज़ नहीं करना चाहते हो अगर आप नेविगेशन बार से करना चाहते हो तो यहाँ पे क्या है अगर मैं ये छोटा सा जो एरो दिया हुआ है यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा जैसे फॉर एग्जांपल जूम एक्सटेंस जूम विंडो एंड सो ऑन यहाँ पर लिखा हुआ है जूम इन जूम आउट ये भी आप यहाँ से हम लोग कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल हम करना चाहते हैं जूम इन तो जस्ट क्लिक करेंगे तो देखिए ये जूम इन हो गया राइट अगर मैं फिर से यहाँ पे आके क्लिक करूँ तो ये देखिए कंटिन्यूसली ये जूम इन होता जा रहा है फिर अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ फिर जूम इन हो रहा है राइट सो तो ये आप ऐसे कर सकते हो अगर मान लीजिए कि आप जूम आउट करना चाहते हो तो सेम अगेन यहाँ पे छोटा सा चेहरा है वहाँ पे क्लिक करके जूम आउट क्लिक करोगे तो ये देखिए जूम आउट हो गया एंड अगेन आप कंटिन्यूसली यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आउट होता रहेगा, राइट सो ये क्या होगा ये पूरा जो आपका स्क्रीन है पूरा जो ड्राइंग है ये सब आपका जूम इन एंड आउट होगा कोई स्पेसिफिक एरिया जूम इन और आउट नहीं होगा राइट right? जैसे हम लोग माउस में कंट्रोल कर सकते हैं कि माउस मान लीजिए हम लोग ये पार्ट को जूम इन करना चाहते हैं तो हम लोग माउस यहाँ पे लाके, फिर हम स्क्रोल करेंगे, तो देखिए ये वाला पार्ट जूम इन हो रहा है राइट right? अगर आप जूम आउट करना चाहते हो तो ये वाला पार्ट जूम आउट हो रहा है फॉर एग्जाम्पल मैं माउस यहाँ पे लेके आ रहा हूँ फिर यहाँ पे स्क्रोल अप कर रहा हो तो देखिए ये वाला पार्ट जूम आउट जूम इन हो रहा है एंड जूम आउट करने के लिए सेम एज एज स्क्रोल डाउन करेंगे तो जूम आउट हो रहा है तो इससे क्या होता है इससे आसानी होता है कि आप एग्जैक्टली exactly कौन सा एरिया जूम इन करना चाहते हो एंड जूम आउट करना चाहते हो आप माउस के हेल्प से कर सकते हो अगर आप ओवरऑल करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो जूम इन एंड जूम आउट करके और देखिए अगर मैं यहां पे अगेन क्लिक करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है जूम जूम एक्सटेंड विंडोज एंड सो ऑन तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं जूम विंडो क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्या ऑप्शन देगा अब अब यहाँ पे बोल रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर मतलब क्या है अब हम लोग खुद से एक विंडो ड्रॉ करके फिर वो वाला एरिया हम लोग जूम इन कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला जो छोटा सा एरिया है ये मैं सिर्फ ये वाला एरिया हम जूम इन करना चाहते हैं तो क्या करेंगे जस्ट यहाँ पे क्लिक करके वो एरिया सिलेक्ट करके करेंगे, करेंगे जहाँ पे मैं एग्जैक्टली exactly जूम इन करना चाहता हूँ एंड जस्ट क्लिक करेंगे तो देखिए ये वाला पार्ट जूम इन हो गया ठीक है सो so अगेन अगर मैं क्लिक करूँ फिर अगेन मैं मान लीजिए कि ये वाला पार्ट मैं ज़ूम इन करना चाहता सो जस्ट so, मैं विंडो ड्रॉ करूंगा और देखिए ये वाला पार्ट जूम इन हो गया तो दिस इज वेरी इजी अगर आप कोई भी स्पेसिफिक एरिया जूम इन या फिर ज़ूम आउट करना चाहते हैं, ठीक है और कैसे यूज होता है ये जूम इन जूम आउट? कि मान लीजिए कि यहाँ पे और जो ऑप्शन है मान लीजिए मैं यहाँ पे फिर से क्लिक कर रहा हो यहाँ पर लिखा है जूम एक्सटेंट अगर मैं जूम एक्सटेंट में क्लिक करूँ तो ये जो मेरा ड्राइंग था ये देखिए ये जो मेरा स्क्रीन है यहाँ पे यहाँ पे पूरा जूम हो के फिट हो गया राइट देखिए पूरा जो जूम के ये जो मेरा स्क्रीन है यहाँ पे फिट हो गया है मतलब ज़्यादा भी नहीं है छोटा भी नहीं है या फिर बड़ा भी नहीं है सिर्फ अकॉर्डिंग टू स्क्रीन जो मैंने ड्राइंग किया था वो यहाँ पे फिट हो जाएगा ठीक है तो ये तो हो गया मैं ये ऑप्शन सिलेक्ट करके अगर मान लीजिए कि मैं ये ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करके मैं कर क्या करना चाहता हूँ कि मान लीजिए मैं कोई कमेंट पुट करना चाहता हूँ ठीक है तो वो कैसे करेंगे हम कि हम पहले टाइप करेंगे Z Z फॉर जूम देन क्लिक करेंगे एंटर फिर यह यहाँ पे दिखा रहा है कि स्पेसिफाई कॉर्नर ऑफ विंडो और आप कौन सा वाला ऑप्शन चूज करना चाहते हो कि मान लीजिए मैं जूम ऑल करना चाहता हूँ तो जस्ट ए क्लिक कीजिए एंटर कीजिए तो देखिए ये जूम ऑल हो गया फाइन सेम एज ऑल अगर आप चाहते हो जूम एक्सटेंड करना तो सेम एज एजेड एंटर ई फॉर एक्सटेंड एंटर सो देखिए ये जो मेरा स्क्रीन था वो पूरा फिट हो गया ड्राॅइंग उस तो स्क्रीन में राइट दिस इज फॉर जूम एक्सटेंड अगर आप चाहते हो कि जूम विंडो तो उसके उस हिसाब से आप Z एंटर W एंटर करके कर सकते हो ठीक है सो आई होप दिस इज़ क्लियर कि कैसे जूम यूज़ किया जाता है फॉर पेन आप क्या करोगे मिडिल माउस जो है मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मिडिल माउस अगर क्लिक करोगे तो ये हाथ का साइन आ जाएगा फिर आप वो मूव करके आप पेन या फिर आपका जो पूरा पेज है वो मूव कर सकते हो ठीक है सेम एज वेल एज आप यहाँ पे भी आके क्लिक करके वो सेम काम कर सकते हो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए हाथ का साइन आ गया फिर मैं यहाँ पे क्लिक करके ये पूरा पेज जो है मैं ये मूव कर सकता हूँ अपने हिसाब से दिस इज कॉल्ड पैन फाइन सो दिस इज़ वेरी इजी आई होप दिस इज़ क्लियर अगर मान लीजिए कि आपका काम हो गया तो आप क्या करोगे आप जस्ट सिंपली एस्केप प्रेस करोगे आपका कीबोर्ड में तो ये उस ऑप्शन से बाहर आ जाएगा तो मैंने पहले भी बताया था कि एस्केप क्या होता है कोई भी ऑप्शन से बाहर आने के लिए एस्केप प्रेस किया जाता है कीबोर्ड में ठीक है नाउ सिलेक्शन अब सिलेक्शन कैसे किया जाता है सिलेक्शन मतलब क्या कैसे आप सिलेक्ट करोगे कोई भी ड्राइंग सो so, मैंने बताया था ये भी कि मान लीजिए मैं ये सर्कल जो है यहाँ पे यह सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो सिंपली यहाँ पे आके आपको लेफ्ट क्लिक करना होगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा सेम एज मान लीजिए ये भी मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे भी आके मैं अगर लेफ़्ट क्लिक करूँ तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगा तो अब जिसमें भी आप क्लिक करोगे वो सारे जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट होता जाएगा ठीक है अगर मान लीजिए कि आपका काम हो गया तो आप अगेन एस्केप प्रेस करोगे तो वो सारा जो सिलेक्शन था वो वहाँ से बाहर आ जाएगा अब मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे क्लिक कर रहा करो एंड यहाँ पे क्लिक करो एंड सो ऑन में ये सब क्लिक कर रहा हो अगर मान लीजिए कि नहीं मैं कुछ डी सिलेक्ट करना चाहता हूं डी सिलेक्ट का मतलब कि मैं ज्यादा ही कुछ सिलेक्ट हो गया अब मैं क्या करना चाहता हूं कि यहां अनसेलेक्ट करना चाहता हूँ कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट तो आपको क्या करना होगा फिर आपको सिफ्ट प्रेस करना होगा फिर आपको वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा फॉर एग्जाम्पल मैं अभी कर रहा हूं सिफ्ट एंड मैंने क्लिक किया वो ऑब्जेक्ट सो ये अनसिलेक्ट हो गया मैं फिर से दिखा रहा हूं आपको क्या करना होगा सिफ्ट प्रेस करना होगा एंड ऑब्जेक्ट के ऊपर सिलेक्ट करना होगा सो so देखिए ये जो ऑब्जेक्ट था वो अनसिलेक्ट हो गया तो आप सिफ्ट प्रेस कर, कर सकते हो ये फिर मान लीजिए फिर आप फिर से आपको सिलेक्ट करना होगा तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो तो ऐसे आप सिलेक्ट एंड अन पर्टिकुलर कोई भी ऑब्जेक्ट को कर सकते हो ठीक है सेम अगेन अगर आपका काम हो गया तो एस्केप एस प्रेस करोगे तो आप वहाँ से निकल जाओगे ठीक है ऑल्सो यहाँ पर आप अगर देखोगे ध्यान से तो अगर मैं ये जो माउस है ये क्लिक करके अगर मैं फ्रॉम फॉर एग्जांपल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाता हो तो क्या होता है ये एक ब्लू बॉक्स जैसा आता है राइट right? ब्लू सिलेक्शन बॉक्स जैसा आता है और अगर मैं लेफ्ट से राइट right जाता हूँ आई मीन राइट से लेफ्ट जाता हूँ तो क्या होता है ये ग्रीन बॉक्स में शो होता है सो so, आपका मन में आएगा कि हाँ ऐसा क्यों होता है कि ग्रीन बॉक्स ये कि इसका क्या मतलब होता है या फिर ब्लू बॉक्स इसका क्या मतलब होता है तो अब हम लोग देखेंगे कि उसका यूसेज कैसे होता है मान लीजिए कि ये जो मेरा यहाँ पे रेक्टेंगल जैसा ड्रॉ किया हुआ है सो मे क्या करो फर्स्ट लेफ्ट टू राइट right, मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ ठीक है तो so, ऐसे मैंने सेलेक्ट किया फिर मैं यहाँ पे क्लिक किया सो so, देखिए सिर्फ ये वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ है और बाकी तो जो, दो जो ऑब्जेक्ट था ये सिलेक्ट नहीं हुआ है इसका मतलब क्या इसका मतलब ये है कि जब भी मैं लेफ्ट टू राइट बॉक्स ड्रॉ करूँगा या फिर बॉक्स को यहाँ पे खींचूँगा कि सिलेक्ट करने के लिए तब क्या होगा इस बॉक्स के अंदर में जो भी ऑब्जेक्ट कंप्लीट में आ आ जाएगा सिर्फ वही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा कि देखिए जो वर्टिकल लाइन था वो ही सिर्फ कंप्लीटली ये बॉक्स के अंदर में आया है इसीलिए सिर्फ वो ही सिलेक्ट हुआ है और जो ये जो दो लाइन था यहाँ पे यानी यहाँ पे ये जो दो लाइन है ये कंप्लीटली इस बॉक्स के अंदर में नहीं आया इसीलिए ये सिलेक्ट नहीं हुआ है ठीक है अगर मान लीजिए कि मैं ये कंप्लीटली लेके आ रहा हूँ फिर क्लिक कराओ तो देखिए अब सिलेक्ट हो गया पूरा का पूरा ठीक है सो ब्लू बॉक्स किस लिए है अगर मान लीजिए कि आपका बहुत कंप्लिक्स कोई ड्रॉइंग है और वहाँ से कोई पर्टिकुलर आप ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना चाहते हो फिर आप ये यूज़ कर सकते हो कि ब्लू बॉक्स को जो भी ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली कवर करेगा सिर्फ वही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा और बाकी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होगा ठीक है सो मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया अगेन प्रेस ऑन स्केप अब राइट टू लेफ्ट कैसे काम करते हैं मान लीजिए सेम में राइट right से लेके लेफ्ट तक आ रहा हूँ एंड मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए ये तीनों सिलेक्ट हो गया तीनों जो ऑब्जेक्ट था तीनों ही सिलेक्ट हो गया तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं राइट right से लेके लेफ्ट में आऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा जो भी ऑब्जेक्ट ये जो ग्रीन बॉक्स है इसके अंदर में टच हो जाएगा वो सारा का सारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा सिर्फ टच होने से ही थोड़ा सा भी अगर टच हो जाए तो वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेगा कैड ठीक है अगर ये ग्रीन बॉक्स के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट थोड़ा सा भी टच हो जाएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल मैं इतना तक लेके आ रहा हूँ एंड मैं फिर सिलेक्ट कर रहा हूँ तो देखिए ये सर्कल भी सिलेक्ट हो गया तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ग्रीन बॉक्स है जो मैं राइट right से लेकर लेफ्ट तक आ रहा हूं तो उसके अंदर में जो भी टच होगा वो सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा एंड फॉर लेफ्ट टू राइट जो सिर्फ ऑब्जेक्ट इसके अंदर में आएगा कंप्लीटली सिर्फ वो ही सिलेक्ट होगा ठीक है तो आई होप दिस इज क्लियर कि कैसे सिलेक्शन होता है अब मान लीजिए कि सिलेक्शन तो मैं, हम लोग सीख लिए कि कैसे सिलेक्शन होता है तो अब मान लीजिए कि हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को डिलीट या फिर इरेज करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे तो उसके लिए क्या करना होगा कि जो भी ऑप्शन जो भी ऑब्जेक्ट आप डिलीट करना चाहते हो सिंपली उसको क्लिक कीजिए फिर क्लिक ऑन डिलीट फ्रॉम कीबोर्ड आप की में जो डिलीट ऑप्शन है वो आप जस्ट प्रेस करोगे तो देखिए ये डिलीट हो गया मैं फिर से दिखा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला डिलीट करना चाहता हूँ जस्ट सिलेक्ट एंड प्रेस ऑन डिलीट तो ये देखिए ये भी डिलीट हो जाएगा ठीक है एंड ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि इरेज करना चाहता हो आप और भी ऑप्शन से कर सकते हो कि मान लीजिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया आप कीबोर्ड से नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए मॉडिफाई जो यहाँ पे ऑप्शन है यहाँ पे देखिए एक इरेज का ऑप्शन है तो आप जब अगर क्लिक करोगे यहाँ पे तो ये देखिए ये इरेज हो गया तो इरेज एंड डिलीट आप ये ऑप्शन से कर सकते हो ठीक है आइदर आप ये ऑप्शन से कर सकते हो या फिर आप कीबोर्ड का डिलीट ऑप्शन से भी कर सकते हो सो लेट सपोज मैं ये सर्कल इरेज करना चाहता हूँ सो क्लिक ऑन दिस सर्कल एंड जस्ट ये आइकन इरेज जो आइकन है यहाँ पे क्लिक कीजिए तो देखिए ये इरेज हो जाएगा सो दिस इज़ वेरी इजी तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट ये जो वीडियो है ये आपके फ्रेंड्स के लिए भी हेल्पफुल हो जाए सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टू वीडियो सी यू इन नेक्स्ट वीडियोज